हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हम कल डायगोनलाइजेशन के हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको कंटिन्यू कर लेंगे एंड कैनोनिकल फॉर्म्स के कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी नो प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। कोई गाइस टेक्निकल इशू रहेगा, आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपरली या फिर स्क्रीन नहीं विजिबल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। सेम रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड एग्ज़ाम जो गाइस हम टारगेट कर रहे हैं वो अपकमिंग RPSC 24 असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड एक स्टडी मटेरियल चाहिए आपको गाइडेंस के लिए साथ में, देन यू कैन डेफिनेटली गो हिड एंड चेक आउट अवर रिकॉर्डेड कोर्स। तो जिस तरीके से आपका जो सिलेबस है सब टॉपिक्स में बटा हुआ है, प्रॉपर आपको सभी टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको अगर कोर्स बाय करना है तो यू विल हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट IFSOnline.com एंड वहाँ फिर आपको 30% ऑफ के साथ ये कोर्स फिलहाल अवेलेबल है। यू विल हैव टू यूज़ द प्रोमो कोड IFAS30। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में, इस रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में और भी इन डिटेल हम चर्चा करेंगे हमारे आज के ही आगे जैसे सेशन बढ़ेगा, क्या क्या फीचर्स है एंड कैसे आप इसको और बेनिफिट्स उसके उठा सकते हैं। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन R3, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमें इस टी के बारे में। तो ये जो ऑपरेटर टी है वो 1 1 1 इस वेक्टर को मैप कर रहा है, 1 -1 1 को। टी स्क्वेयर ऑफ 1 1 1 हमें मिल रहा है 1 1 1। टी स्क्वेयर ऑफ 1 1 2 हमें मिल रहा है 1 1 1। देन द रैंक ऑफ टी इज हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जब भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक के बारे में गाइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, देर आर डिफरेंट वेज वी कैन थिंक कि किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। पहली चीज, रैंक ऑफ टी यानी कि जो हमारी रेंज स्पेस है उसका डायमेंशन हमें चाहिए। तो उस तरीके से हम सोच सकते हैं रेंज स्पेस क्या है, फिर रेंज स्पेस की डायमेंशन देख सकते हैं। या फिर अगर रेंज स्पेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो वी कैन थिंक ऑफ द नलिटी, नल स्पेस क्या है, नलिटी क्या है। तो रैंक नलिटी थ्योरम से ये रैंक हमें आ जाएगी एक अननोन क्वांटिटी। और व्हाट वी कैन थिंक कि मेरी रेंज स्पेस में बेसिकली जो हम रेंज स्पेस के डायमेंशन की बात करें, सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि मेरे रेंज स्पेस में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मैं मैक्सिमम सेट बना सकता हूँ। दैट्स व्हाट अगेन रैंक इज। तो थोड़ा सा उस तरीके से सोचते, बिकॉज हमें यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट दिया है, ये वेक्टर यहाँ पे मैप कर रहा है, टी स्क्वेयर ऑफ समथिंग इज मैपिंग टू दिस। तो इससे पता क्या चल रहा है कि हमारी जो इमेज है, इमेज स्पेस है, रेंज स्पेस है, उसमें कौन कौन से वेक्टर्स है ना। तो टी ऑफ 1 1 1 मैप कहाँ पे कर रहा है, 1 -1 1 को। सो ये तो पता चल गया कि 1 -1 1 ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारी रेंज में है, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी टी स्क्वेयर ऑफ 1 1 1 इज 1 1 1। नाउ वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, करेक्ट। R of T जो है, मतलब रेंज स्पेस ऑफ T जो है, इट कंटेन्स रेंज स्पेस ऑफ T स्क्वेयर। अभी सेम हमने कल के ही सेशन में सभी कंटेनमेंट के रिलेशन देखे थे, यू कैन विजिट द प्रीवियस लेक्चर। सो रेंज ऑफ T कंटेन्स रेंज ऑफ T स्क्वेयर, वेरी इजी प्रूफ, वेरी इजी टू सी, बिकॉज ये लीनियर ऑपरेटर है। तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट T स्क्वेयर की रेंज का कैसे दिखेगा, T स्क्वेयर ऑफ Y समथिंग। तो इसको मैं T of Y लिख सकता हूँ, करेक्ट। एंड बीइंग अ लीनियर ऑपरेटर ये भी हमारे डोमेन का ही वेक्टर रहेगा, डोमेन वेक्टर स्पेस का। सो अल्टीमेटली ये जो वेक्टर था वो T of something के फॉर्म में लिखा है, तो ये रेंज ऑफ
टी में भी ऑफ कोर्स रहेगा। ठीक, तो ये वेक्टर हमारा जो है टी स्क्वायर ऑफ 111 मैप करा रहा है 111 पे। सो व्हाट वी आर गेटिंग है दिस कि टी स्क्वायर की रेंज में 111 है, यानी कि टी के रेंज में भी 111 आ जाएगा। ओके, सो दिस टू वेक्टर्स फॉर श्योर बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी। अब ये दोनों वेक्टर्स गाइस हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो स्केलर मल्टीपल्स नहीं है एक दूसरे के, तो दे आर एलाई वेक्टर्स, यानी कि रेंज स्पेस में हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए, यानी कि जो रैंक रहेगी डायमेंशन जो है रेंज स्पेस का वो दो या फिर दो से ज़्यादा ही रहने वाला है, बिकॉज वी हैव फाउंड टू एलाई वेक्टर्स ओवर देयर। नाउ अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, आर थ्री है, तो जो भी उसका सब स्पेस रहेगा आर थ्री का वो ऑफकोर्स डायमेंशन थ्री या फिर थ्री से कम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हमें रैंक पूछी थी टी की, तो रैंक कैन बी 0, 1, 2, 3, आर थ्री के सब स्पेसेस की यही तो पॉसिबल डायमेंशन है हमारे पास। सो यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव फाउंड टू एलाई वेक्टर्स इन रेंज, सो इट विल बी आइदर 2 और इट विल बी आइदर 3। अब थोड़ा सा और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करो। टी स्क्वेयर ऑफ 112 इज ऑल्सो 111। अब यहाँ पे इन दोनों इंफॉर्मेशंस को ध्यान से देखो एंड थिंक कि इससे क्या प्रेडिक्ट, मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। टी स्क्वेयर ऑफ 111 इज 111 एंड टी स्क्वेयर ऑफ 112 इज ऑल्सो 111। यानी कि देखो टी स्क्वेयर ये जो ऑपरेटर है हमारा, नोट केयरफुली, जो भी अगेन आर थ्री से आर थ्री रहेगा, नोट दैट आर थ्री से आर थ्री या फिर रेंज ऑफ टी से विच इज सबस्पेस ऑफ आर थ्री से आर थ्री ऐसे रहेगा, वी डोंट नो वेदर टी इज ऑन टू और नॉट, सो दिस इज हाउ इट विल बी डिफाइंड। तो टी स्क्वायर ने क्या किया, जरा ध्यान से देखो गाइस, दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स को सेम वेक्टर पे जाके मैप किया है 111 पे 111 पे, करेक्ट। इसका मतलब टी स्क्वायर हमारा 11 नहीं है, करेक्ट। अगर टी स्क्वायर गाइस 11 नहीं है, इसका मतलब टी स्क्वायर के पास 0 एज अ आइगन वैल्यू प्रेजेंट होगी, फाइन। अगर टी स्क्वायर के पास 0 एज अ आइगन वैल्यू प्रेजेंट है तो टी के पास भी 0 एज आइगन वैल्यू प्रेजेंट होगी। द मोमेंट 0 एज आइगन वैल्यू प्रेजेंट है, ऑपरेटर आर थ्री से आर थ्री है तो वो ऑन टू बन जाएगा क्या, बिकॉज 11 नहीं है तो ऑब्वियसली ऑन टू नहीं होगा बिकॉज 0 आइगन वैल्यू है। इसका मतलब टी की जो रैंक है वो पूरी की पूरी 3 नहीं बन सकती बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन टू। तो बचता है एक ही ऑप्शन हमारे पास विच इज़ 2। तो यहाँ पे टी की हमारी रैंक क्या बनेगी, 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगी। ठीक, एक बार मैं फिर से रिकैप कर लेता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पे आर्गुमेंट की है, किस तरीके से लॉजिक लगाया था। फर्स्टली व्हाट वी सॉ कि रेंज स्पेस में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमें कितने मिल रहे हैं, तो एक ये था 1-1 एंड एक दूसरा मेरा 111, ये दोनों रेंज स्पेस में आ गए, इंडिपेंडेंट थे तो रैंक 2 से ज़्यादा ही होगी। एंड फिर 3 क्यों नहीं हो गई, बिकॉज 0 हमने उसकी आइगन वैल्यू शो की, पहले टी स्क्वायर की शो की, फिर ऑब्वियसली वो टी की भी रहेगी, सो टी इज़ नॉट 11, सो इट वोंट बी ऑन 2 बिकॉज इसके डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है, सेम डायमेंशंस के वेक्टर स्पेसेस है, तो अगर ऐसा ऑपरेटर 11 नहीं है तो ऑन 2 भी नहीं होता, तो 0 इसके आइगन वैल्यू है तो ये 11 नहीं होगा तो ऑन 2 नहीं होगा, तो रैंक उसकी 3 पॉसिबल नहीं है तो इट हैज़ टू बी 2। ओके, लेट्स मूव अहेड। सपोज ए इज ए रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी। ओके, सो थिंक अबाउट इट, पहले आप सोचिएगा क्या लगता है आपको क्रम।
तो क्वेश्चन ध्यान से देखो कि वेक्टर स्पेस क्या है। हमें डायमेंशन जिस वेक्टर स्पेस का पूछा है उस वेक्टर स्पेस का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ। एक मैट्रिक्स उन्होंने फिक्स करके रखा है, करेक्ट, एन क्रॉस एन साइज का है, रैंक आर है उसकी, एंड अब उन्होंने जो हमारी वेक्टर स्पेस वी है उसमें क्या किया, देखो उन मैट्रिसेस एक्स का कलेक्शन किया है सच दैट AX इज इक्वल टू 0 मिलेगा। V इज वॉट, X मैट्रिक्स सच दैट AX इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। वॉट इज द डायमेंशन ऑफ V? ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, वी विल डिफाइन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस टू स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू AX। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑपरेटर है, कुछ उसमें दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देखो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की जो नल स्पेस है एन ऑफ टी जो है वो गाइस एग्जैक्टली हमारे वेक्टर स्पेस भी है ना, जो टी के नल स्पेस में कौन रहेगा, वो वेक्टर्स जो आउटपुट 0 देंगे यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 देंगे। एंड वी आर लुकिंग फॉर सच मैट्रिसेस एक्स ओनली नो इन आवर वेक्टर स्पेस भी, लुकिंग फॉर एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली नल स्पेस ऑफ टी इज सेम एज द वेक्टर स्पेस वी। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ पी, दिस विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी विच इज बेसिकली नलिटी ऑफ टी। अब नलिटी ऑफ टी कैसे फाइंड करेंगे, टी देखो हमारा ऑपरेटर है एम एन आर से एम एन आर, ओके, डोमेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन वी ऑल नो कि एन स्क्वेयर है। अब टी की मुझे नलिटी चाहिए, रैंक सपोज पता चल गई देन वी आर डन, रैंक नलिटी थ्योरम से आंसर आ जाएगा। एंड ऐसे जो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वी ऑल नो कि ऐसे सिनेरियोज में टी की हमारी रैंक क्या रहेगी, तो एन टाइम्स रैंक ऑफ आर, एंड आर की ए सॉरी एंड ए की रैंक हमें क्वेश्चन में दी है कि आर रहेगी। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम एन ऑफ टी विल बी रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस विच इज एन स्क्वेयर माइनस इट्स रैंक विच इज एन आर, दिस विल बी एन टाइम्स एन माइनस आर या फिर एन स्क्वेयर माइनस एन आर। ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे सही होना चाहिए। आई होप क्लियर है, कुछ भी डाउट रहेगा पूछो गाइज, या फिर आफ्टर द लेक्चर भी आप कमेंट कर सकते हो, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट वी बी लेट वी बी द स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन आर, डिफाइन लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम वी टू वी बाई टी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू एक्स एफ डी टी। देन अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ये जो हमारा ऑपरेटर है वो इंटीग्रल ऑपरेटर है, ठीक, इजी टू सी ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें चेक करने के लिए, बेसिक वेरिफिकेशन है। अब इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर टी ऑफ एफ, क्या हो रहा है हमें इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब मतलब यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस वी ही जा रहे हैं, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस की है, तो हम एक कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन उठा रहे हैं एफ, एंड टी एफ एक नया हमारा कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा, एंड वो डिफाइन कैसे है, तो टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स। अब गाइस ये जो इंटीग्रल ऑपरेटर है उसके आइगन वैल्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसके आइगन वैल्यू क्या है, क्या 1 है, 0 है, कोई भी इसका आइगन वैल्यू नहीं है या फिर नन ऑफ दिस। सो हम इसको शॉर्टली मैं एक स्केच ऑफ प्रूफ आपको देता हूँ, बट ध्यान रखना कि इस इंटीग्रल ऑपरेटर के पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं रहती, एंड ऑन कॉन्ट्ररी जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है मतलब स्पेस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इन्फिनेटली मेनी टाइम्स ले लो सी इन्फिनिटी से सी इन्फिनिटी, डिफाइन सच दैट टी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश, इसके पास गाइज इन्फाइनाइटली मेनी आइगन वैल्यूज है। वाई सो, बिकॉज टी ऑफ ई टू द पावर ए एक्स
इज गोइंग टू बी ए टाइम्स ई टू द पावर ए एक्स, इसका डेरिवेटिव करेक्ट। देखो ना ये ऐसे मिल गया ना, टी ऑफ वी मेरा वेक्टर यहाँ पे ये फंक्शन है इज इक्वल टू ए टाइम्स वी, एंड दैट्स व्हाट द आइगन वेक्टर डेफिनेशन इज फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर वी। अब यहाँ पे ऑफकोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा नॉन जीरो रहेगा, टी ऑफ वी शुड बी लैमडा वी, तो यहाँ पे लैमडा बेसिकली ए, स्केलर ए है, एंड दिस ए कैन बी एनी रियल नंबर। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑपरेटर की हर एक रियल नंबर आइगन वैल्यू रहती है। ओके, सो इट हैज अनकाउंटेबली मेनी आइगन वैल्यूज, बट इंटेग्रल ऑपरेटर जो उसके बाद गए एक भी आइगन वैल्यू नहीं है। प्रूफ किस तरीके से रहता है देखो इसका, सपोज हमने मान के चलो द प्रूफ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हम मान के चलते कि चलो जीरो सपोज इसके एक हाथ आइगन वैल्यू है, तो वी शो गेट सम कॉन्ट्रडिक्शन। सेकेंड पार्ट वी अज्यूम अगर लेट से इसके पास कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यू, देन अगेन वी गेट सम कॉन्ट्रडिक्शन। एंड वो कॉन्ट्रडिक्शन पता है क्या आता है हमें, तो जो हमने सपोज जीरो को आइगन वैल्यू मैंने पकड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई तो आइगन वेक्टर भी रहेगा ऑफकोर्स करेक्ट। तो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या मिलता है हमें, वो जो हमारा आइगन वेक्टर है वो जीरो मिलता है। एंड हमें पता है कि आइगन वेक्टर्स हमारे कभी भी जीरो वेक्टर्स नहीं हो सकते, हमारे आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है बट आइगन वेक्टर्स कांट बी जीरो वेक्टर। सो व्हाई, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या मिलेगा, अगर आपने आइगन वैल्यूज मान के चली जो आइगन वेक्टर्स है वो जीरो वेक्टर्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज हमने मान के चला कि इसकी जीरो एज आइगन वैल्यू है प्रेजेंट, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग उसका कोई नॉन जीरो आइगन वेक्टर रहेगा वी, देन व्हाट वी विल गेट, टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। बट व्हाट इज टी ऑफ वी, वी वॉज बेसिकली सम फंक्शन ओनली, लेट से तो हम v के जगह पे f यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स हमारे फंक्शन है, दिस इज सम नॉन जीरो फंक्शन f, मतलब एट सम पॉइंट इट टेक्स नॉन जीरो वैल्यू, तो टी एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी एफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x। व्हाट इज टी एफ x, दिस इज इंटीग्रल जीरो टू x एफ टी डी टी विच इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, f कंटिन्यूअस है, इंटीग्रल जीरो टू एक्स जीरो है फॉर ऑल एक्स, तो व्हाट डज दिस मीन, दिस विल इम्प्लाई एफ इज आइडेंटिकली जीरो, अ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज आवर आइगन वेक्टर कांट बी अ जीरो वेक्टर, इट कांट बी अ जीरो फंक्शन। एंड सिमिलर वे से थोड़ा बहुत आप कैलकुलेटिव प्रोसेस करोगे ओडी का थोड़ा सा यूज करना टेक्निक्स का, एंड सिमिलर वे में अगर नॉन जीरो आइगन वैल्यू निकलेगी तो भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन डिराइव कर लेना। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, टी हैज नो आइगन वैल्यू। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, इस रिकॉर्डेड कोर्स की हम बात कर रहे थे सेशन के स्टार्ट में, इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग आरपीएससी 24 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सो एंड आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई की प्रिपरेशन करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड लुक फॉर दिस रिकॉर्डेड कोर्स। इसमें देखो गाइस ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे आपके डेली टू डेली, मतलब एक पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा, आप अपने पेस पे कोर्स को लर्न कर सकते हो जैसा आपको स्पीड कंफर्टेबल है, जब आपके एग्ज़ाम है कितना आपको सिलेबस कवर करना है पूरा का पूरा आपके ऊपर है। यू कैन पेस योर रिकॉर्डेड कोर्स अकॉर्डिंगली, एंड हर एक गाइस रिकॉर्डेड जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके साथ साथ आपको उस लेक्चर में जो भी सिखाया गया है उसका हैंडआउट भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो पीडीएफ जो हमारा ऑनलाइन जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे पेंटा पे, तो उसका पीडीएफ हैंडआउट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ उस लेक्चर के जो भी कंसेप्ट टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं उसके ही अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम शीट आपको मिलेगी, उसको डेली के प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहते हैं DPPs, सो दैट लेक्चर होने के बाद आपको तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए आसान रहे। उसके साथ साथ संडे टेस्ट भी रहेंगे वीकली, आफ्टर 6 लेक्चर्स यू विल हैविंग अ संडे टेस्ट एज वेल, एंड आफ्टर द एंटायर कोर्स गेट कंप्लीटेड यू विल आल्सो गेट अ टेस्ट सीरीज अटैच विद दिस कोर्स ओनली, वहाँ पे हर एक टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया फीचर्स है इसके, एंड ये कोर्स आप
30% ऑफ के साथ फिलहाल अवेल कर सकते हो, इसलिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा IFS30। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है इन डिटेल, मतलब सिलेबस से लेके पेपर पैटर्न क्या है, पास्ट में जो पेपर्स हुए थे इसके वो आपको चाहिए, PYQs प्रैक्टिस करने के लिए सॉर्टेड चाहिए, तो ये सभी चीज़ें का इस ऐप में आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू इनरोल इन द IFS ऐप। ऐप को आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, फ्री सेक्शन में एंटर करना, एंड फ्री सेक्शन में सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी सेशंस भी डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम के रिलेटेड सभी इन्फो, सिलेबस से लेके पास्ट पेपर से लेके कट ऑफ एनालिसिस, एवरीथिंग इज राइट देयर। यू जस्ट हैव टू गो एंड एक्सप्लोर। इंटरफेस अच्छा लगे, सभी चीज़ें आपको बढ़िया लगे, डेफिनेटली यू कैन गो हिड एंड इनरोल इन द रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक, आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू। इफ एम एक मैट्रिक्स है, ये पहला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक पी एंड एक क्यू, हम दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर कोई एक सही है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एक मैट्रिक्स एम दिया है, हमें चेक करना है कि क्या एम सिंगुलर है। मतलब ये तो सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो सिंगुलर रहेगा। जस्ट लुक एट द मैट्रिक्स, लुक एट द एंट्री, 1 1 1, देन वी हैव सेकेंड कॉलम 1 2 3, एंड थर्ड कॉलम वी हैव 1 4 9। अगर पैटर्न आपने रिकोगनाइज किया रहेगा यहाँ पे, तो दिस इज सिमिलर टू द वैंडर मोंडे मैट्रिक्स, एंट्रीज के स्क्वेयर्स आगे आगे होते जाएंगे। जैसे 1 2 3 है, एक कॉलम 1 1 1, फिर जो भी कॉलम है हमारा 1 2 3, फिर उन एंट्रीज के स्क्वेयर्स है, देखो 1 फिर 4 फिर 9। डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा हमारा, तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा नॉन सिंगुलर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, जस्ट चेक द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। सेकेंड जो गाइस हमारा स्टेटमेंट है वो है, लेट एस बी अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। If T is a matrix such that S plus phi T is identity, then T is diagonalizable. Just remember one simple thing. अगर कोई matrix diagonalizable है, तो guys उस matrix के terms में कोई भी अगर हमें polynomial दिया जाएगा, तो वो polynomial भी हमारा diagonalizable बन जाता है। मतलब यहाँ पे S जो है वो diagonalizable है। अब हमें t को चेक करना है कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। जो गिवन इक्वेशन है s प्लस फाइव टी इज आइडेंटिटी, उसका यूज करके मैं t को आइडेंटिटी माइनस s अपॉन फाइव लिख सकता हूँ। यानी कि दिस इज बेसिकली t इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस x अपॉन फाइव टाइम्स s। मतलब t जो है वो हमने s के पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब S तो डायगोनलाइजेबल था, तो T भी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल बन जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही, यानी कि ऑप्शन सी सही, ओनली क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 25 द होल पावर 5, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 25 द होल क्यूब। देन फाइंड द नंबर ऑफ जेसी फॉर्म्स ऑफ ए, मतलब कितने अलग अलग जेसी फॉर्म्स हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स को अरेंज डीअरेंज ऐसे नहीं करते, अप टू द अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स हमें देखना है कि कितने अलग अलग जेसी फॉर्म्स यहाँ पे बनेंगे। अब मैट्रिक्स 5x5 रहेगा, बिकॉज इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो डिग्री 5 का है। अब वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से पता चल रहा है कि इसके पास एक ही आइगन वैल्यू है 25। अब यहाँ पे 25 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक्स अलग अलग हो सकते हैं वो हमें देखना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मिनिमल पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स माइनस 25 द होल क्यूब। इसका मतलब साइज 3 का जैसी ब्लॉक जैसी फॉर्म में एक तो ब्लॉक रहेगा कन्फर्म, तो एक हमारा ब्लॉक रहेगा साइज 3 का, 3 प्लस 3 का 25 25
फिर अब गाइस दो ही तो यहाँ पे पोजीशंस बची हुई है, अरे तीन तो यहाँ पे हो गई है, 3x3 का ये ब्लॉक है। अब यहाँ पे दो का एक ब्लॉक हो सकता है 25x25, अरे या फिर सिंगल सिंगल ब्लॉक्स हो सकते हैं 25x25 का। तो बेसिकली दिस इज पॉसिबल एंड देन दिस इज पॉसिबल, दिस आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर द डिस्टिंक्ट जैसे फॉर्म्स ऑफ ए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स 4x4, देन अ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज। जैसे फॉर्म के लिए पहली चीज हमें आइगन वैल्यूज की जरूरत है। देखते हैं इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या निकलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। एंड ये इजी है इस मैट्रिक्स के लिए, भले ही 4x4 है, वियर्ड सा लग रहा है बट इसमें पैटर्न है, ये कंपेनियन मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो इजीली पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी रहेगा वो क्या होगा हमारा, तो x4 या फिर ऐसे लिखो, ठीक है x4, x3 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट -5 होगा, अगेन x का कोएफिशिएंट 0 है, कांस्टेंट नंबर +4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 कर लो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, सो t²-5t+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -4 -1 फैक्टर्स बनेंगे, t की वैल्यू 1/4 आएगी। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t था तो x की वैल्यू 1 -1 2 -2, ये चार सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के मिल जाएंगे। ठीक, 4 डिग्री का था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, 4 आइगन वैल्यूज थी, 4 अलग अलग मिल रही है, हर एक आइगन वैल्यू का अपना एक सिंगल ब्लॉक बनेगा। सो किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, देखो -1 1 1 का 2 -2 का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड ये गाइस लास्ट क्वेश्चन है एंड ये आपको एज अ होमवर्क के लिए है। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, वेरी इजी। जो आपको यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है ना, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको जैसे फॉर्म फाइंड करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिंपल है, स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 2 के ऊपर ये लीनियर ऑपरेटर है एंड इट इज डिफाइंड एज t(p) इज इक्वल टू 2p+p'। p' हमारा डेरिवेटिव है। क्या करना, एक स्टैंडर्ड बेसिस लेना 1x2 करके, तो स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू इसका मैट्रिक्स फॉर्म करना, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज वगैरह सब क्या है, एंड देन जस्ट फॉर्म द जैसे फॉर्म। एंड देन हमें यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इसमें जैसे फॉर्म में कितने रहे। ठीक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि आपका आंसर क्या आ रहा है, वी विल चेक ओवर देयर सही है या गलत। ठीक, तो आज का सेशन का स्टॉप करते हैं यहाँ पे। वन मोर टाइम, अगर आप अपकमिंग RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू कैन गो हीड एंड चेक अवर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स विच इज़ वेरी वेल इन लाइन विद द सिलेबस, जो भी सब टॉपिक्स है RPSC के उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। एंड उसके साथ साथ आपको हैंड आउट्स, DPPs, टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें मिल रही है विद 30% ऑफ। इट्स अ ग्रेट ऑफर। विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट, यूज द प्रोमो कोड IFS30 एंड गेट इट। उसके साथ साथ अगर आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, सिलेबस, पेपर पैटर्न, PYQs, कट ऑफ्स क्या थी एंड सो ऑन, सो सभी इन्फॉर्मेशन IFS के ऐप में फ्रीली अवेलेबल है। जस्ट डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर यूर सेल्फ फॉर फ्री, नथिंग टू पे अप फ्रंट। जस्ट एक बार आप ऐप में अंदर एंटर कर गए तो इंटरफेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके साथ साथ फ्री सेक्शन में जाके सभी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं। एंड येस, वी डेफिनेटली वॉन्ट यू टू बी वन ऑफ अवर हीरोज। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन डेफिनेटली अवर रिकॉर्डेड कोर्स इज द बेस्ट, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग स्टडी।